हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और कमाल की वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, अगर आप जो है 2022 से 500 रुपये हर महीने अपने खाते में लेना चाहते हैं, तो मेरे भाई जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक का देख लीजिए, क्योंकि ई श्रम कार्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अगर आप 2022 से अपने खाते में हर महीने 500 रुपये की किस्त लेना चाहते हैं, तो अभी जो है आपको अपने मोबाइल से एक ऑनलाइन फॉर्म करना होगा, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ जो आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसको फॉर्म को ऑनलाइन करते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को जो है अपने मोबाइल से ही बिल्कुल फ्री में यहाँ पर जो है ऑनलाइन कर सकते हो, एक भी रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सही में जो है हर महीने 500 रुपये लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आपको पूरी जो है कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कौन सा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी जो है आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दो मेरे भाई की, इस वीडियो को आप एक लाइक कर दो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। और इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपने व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चले और वो भी जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म कर पाएँ। और भाई, अगर चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले जो है देख पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप 500 रुपये के हर महीने किस्त लेना चाहते हो, उसके लिए जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, जो फॉर्म बता रहा हूँ, उसको आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हो। इसके लिए जो है आपको अपने फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें गूगल को सर्च कर लेना है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको सर्च करना है ई श्रम कार्ड। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड जैसे ही आप सर्च कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ई श्रम कार्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर आप होम पर भी जा सकते हो अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे इसका लिंक मैं डायरेक्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके आसानी से जो है इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन करना है, यानी अपना ई श्रम कार्ड बना लेना है। खुद से आप बना सकते हो, कहीं भी CSC सेंटर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर थोड़े से डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, जिसमें अगर आप बैंक पासबुक नहीं डालते तो आपके खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। तो ध्यान रहे, आपके पास बैंक पासबुक यानी आपका खाता नंबर ज़रूर से होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है, तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो है एक्टिव लिंक मोबाइल नंबर, यानी जो है आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर है उसको यहां पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, आपकी जो एज है बनाने की 16 से 59 ईयर, यानी आपकी कम से कम उम्र जो है 16 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 59 साल की होनी चाहिए, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो और अपने खाते में 500 रुपये मंगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। चलिए मैं फटाफट से टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ये कैप्चा जो है यहाँ पर भरना होगा, तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर फटाक से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाया जा रहा था, सेम कैप्चा यहाँ पर भी मैंने फिल कर दिया है, आपको ऐसा ही करना है। इसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो आपके मोबाइल के जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर इस तरीके से 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा। तो आपके मोबाइल पर इस तरीके से OTP आया होगा, आपको जो है यही OTP यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए मैं फटाक से इसमें जो है फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद जो है आपसे आपका जो है यहाँ पर जो है आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना आधार नंबर टाइप कर दिया है, और इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके आते हो, तो यहाँ पर आपको ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना होगा। जैसा कैप्चा है बिल्कुल आपको वैसा ही कैप्चा यहाँ पर जो है भरना है। तो यहाँ पर मैं जो है फटाफट से ये कैप्चा मैंने भर लिया है, और आपको अब जो है सबमिट पर क्लिक करना होगा।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपकी यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल यहाँ पर शो होगी, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, पर्सनल डिटेल लिखी हुई है। चलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ, फिर आपको आगे जो है समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल को हाइड कर दिया है और कुछ डिटेल मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जो है आपको अपना ईमेल डाल देना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको मेटेरियल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हो तो उसको डालना है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम और कैटेगरी, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है। नॉमिनी में आप जो है अपने पेरेंट्स का, किसी का, माता पिता का, किसी का भी नाम डाल सकते हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और रिलेशनशिप, माता जी हैं या पिताजी हैं, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या है, ये जो हमने भरी है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपको इसी तरीके से अपना एड्रेस भर देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है ऑक्यूपेशन स्किल्स, इसका मतलब मैं आपको बता दूँ कि आप काम कौन सा करते हो। बहुत से लोग जो है राजमिस्त्री हैं, कोई लोग प्लम्बर हैं, कोई लोग जो है फर्नीचर का काम करते हैं, कोई लोग तो जो है एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं। तो ऐसे ही काम यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो आपको अपनी बैंक डिटेल बिल्कुल भी भूलना नहीं है डालना, नहीं तो आपका सारा करा कराया जो है फेल हो जाएगा। तो आपको अपनी बैंक डिटेल ज़रूर से भरनी है ताकि जब भी पैसे आएँ तो आपके खाते में ही आएँ। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका जो है ई श्रमिक कार्ड बन करके आ जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर मैं चाहता तो ये सारी डिटेल आपको पूरी तरीके से कंप्लीट भर के दिखा सकता था, लेकिन मेरे भाई आप बात मानिए, बिल्कुल बेसिक डिटेल है जिसको आप आसानी से भर सकते हो। इस फॉर्म को मैं इसलिए नहीं भर रहा हूँ क्योंकि जिसका मैंने आधार नंबर यहाँ पर डाला है उसकी उम्र 16 साल से बिल्कुल कम है। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने डेमो के लिए आपको बताने के लिए इसका आधार का इस्तेमाल किया है। रही बात मेरी, तो मैंने अपना ई श्रम कार्ड बना लिया है जिसकी वजह से मैं दोबारा नहीं बना पा रहा हूँ। तो बिल्कुल बेसिक सी डिटेल है, आप आसानी से फिल आउट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे जो है कमेंट भी करके पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट जो है पढ़ता हूँ और आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।